सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ MSBT ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्जाम के बारे में। गाइज़ आज जो है फर्स्ट पेपर हुआ और यहाँ पर जो ये जो फर्स्ट पेपर हुआ तो यार यहाँ पे तो इस बार MSBT ने जो है कम्प्लीटली गेम ही चेंज कर दिया। यानी कि यार लास्ट टाइम तो इतने ईजी सिंपल MCQ दिए थे कि क्या बताएं, और इस बार तो जो है आप लोगों को जो एग्ज़ाम पेपर आप लोगों को देखने मिला वो ये था कि भाई आपके एक फ्रेंड को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट आए हैं, यानी कि एक जो क्वेश्चन पेपर है जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट क्वेश्चंस आए, किसी को भी जो है सेम क्वेश्चंस नहीं आए। तो आज का जो ये पेपर था उसके अंदर हमें ये चीज़ नोटिस हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्वेश्चंस का आप जो है नॉर्मली गूगल के ऊपर आंसर ढूंढते हो तो वो जो है आपको जो है गूगल के ऊपर वो मिला नहीं। तो भाई अब ये जो है गलत चीज़ हुई, भाई हम लोग पास कैसे होंगे। तो भाई यहाँ पर जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को क्या हैबिट होती है कि हम किताबें पढ़ते हैं नहीं और हम जो है एज इट इज़ उस क्वेश्चन को उठाते हैं और गूगल पे पेस्ट करके उसका आंसर ढूंढते हैं। तो यार नॉर्मली आपको करना क्या होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई आपको जो है टेक्स्ट बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। विदाउट टेक्स्ट बुक पढ़े आप एग्ज़ाम तो क्या आप कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते हो। तो ऑनलाइन बेस्ड MCQ एग्ज़ाम ये कोई बहुत टफ नहीं होती है, अभी भी मैं कहता हूँ ये टफ नहीं है। आपको जस्ट आपकी टेक्स्ट बुक पढ़नी है और उन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ोगे और फिर आप गूगल के ऊपर अगर उन क्वेश्चंस को सर्च करोगे तो भी आपको जो है उसके रिलेटेड जो है थिंग्स मिल जाती हैं। आपको जो है पर्टिकुलर एज इट इज़ वो क्वेश्चन डालोगे तो एज इट इज़ वही चार ऑप्शन आप डालोगे तो आपको वो नहीं भी मिला लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको उस इन्फॉर्मेशन से उसका आंसर तो मिल ही जाएगा। लेकिन वो आंसर सही है गलत है ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा। इवन हम जो IMP MCQs आपको प्रोवाइड किए हैं वो भी आपके टेक्स्ट बुक से बेस्ड हैं। तो ये जो भी कुछ है उसको भी, यानी कि हमने जो आपको MCQs प्रोवाइड किए उसको भी सॉल्व करने से पहले हम यही कहते हैं कि आप आपके पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो फिर आप उसको जो है स्टडी करो, आपकी वो प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब जो है कल का जो पेपर होगा आप स्टूडेंट्स का तो आप जो है अभी भी आपके पास मौका है, आपको सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, उसके बाद जो आपने हमारे थ्रू PDF फाइल डाउनलोड की है आप उसको स्टडी करो और फिर जो है सेवरल ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जो है आप जस्ट एज अ प्रैक्टिस के लिए उनको रेफ़र करो। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक जो है आपका जो सिलेबस है उसी में से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपके दिमाग में डर बैठा है कहीं मैं फेल हो जाऊंगा, तो यार आपका पासिंग मार्क्स 13-14 है तो आप जो है आराम से जो है पासिंग मार्क्स तो ले ही आते हो। लेकिन पॉइंट यहाँ पे पासिंग मार्क्स का नहीं है, पॉइंट यहाँ पे है आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है। तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा तो एफर्ट लेना ही पड़ेगा। तो ऑफकोर्स आपको फर्स्ट स्टेप है आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ना, उसमें जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। आपको जो है पूरा नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ो जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि स्मार्टली पढ़ोगे तो ऑफकोर्स आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। अब इसके ऊपर भी मैंने आपको जो है टिप्स दी हुई है, आपको आई बटन में मिल जाएगा कि भाई आपको जो है पढ़ाई किस तरीके से करनी है। अगर आप वो फॉलो करते हो, वो अप्रोच आप फॉलो करते हो तो ऑफकोर्स आप एग्ज़ाम में 110% पास होते हो। गाइस होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके सारे जो डाउट्स थे क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टुमोरोज़ पेपर। सो गाइस ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी जो है इसके बारे में बता दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।